नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां सेकंड ग्रेड 2011 का पेपर अपने सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वही 32 पेजेस हैं, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है और 200 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग या 1/3 रहती है, सिलेबस आप सभी को पता ही होगा। अब अपने सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो भी अब सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो इसके अंदर से जितनी भी ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, करंट को छोड़ करके, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो पेपर पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो वो थे मोतीलाल तेजावत के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो साधु सीताराम दास थे। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम चित्रानंद है। सारे के सारे जो पेपर हैं अब तक, जितनी भी सेकंड ग्रेड हुई है, फर्स्ट ग्रेड हुई है, उनके पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उस पर आप देखिएगा आराम से। कानव देव कौन था? कानव देव जो है वो एक जालौर के शासक थे। कुंभा के विजय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है? पहला ही है, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। इसका क्या आएगा? कौन से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया अजमेर से? तो किसका किया? नवीन राजस्थान। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उस समय की बात है, 2011 का पेपर है तो उसी समय के, तो ये जो हैं राजेश बलिया थे, आज का आप देख लीजिएगा करंट के अकॉर्डिंग। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये भी उसी समय का है, तो कौन थे? श्री निवासन, टी श्री निवासन। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1959 में। ये देखिए इसका कौन सा आएगा, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई थी? तो किस में? 243B। 243B। लोकायुक्त राजस्थान के कौन है? तो ये उसी समय का करंट का है, न्यायाधीश GL गुप्ता। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो कितनी? 25। करंट को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप ज़रूर करें। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का भाग है? तो कौन सा है? अलवर। तारा भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है राजस्थान के अंदर? तो किस में है? आदिवासी। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोनस मिला था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 का देखिए, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था किस कार्य के अंदर? तो असंलग्नता या गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। 17 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो कौन सा था वो? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका, 1919। ये बताइए किसका कथन है, ये किसने ये कहा था? भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का प्रबंध बंधन पत्र था, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1942 के अंदर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर। किस अनुच्छेद में छुआछूत अपराध घोषित किया गया? किस में किया गया? अनुच्छेद 17 के अंदर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो संशोधन 42वें में हुआ है, 1976। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 32। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो
मौलिक कर्तव्य किसके अंदर आएंगे? 51A में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके अंदर है ये 51A के अंदर। माता पिता के मौलिक कर्तव्य आरटी के अंदर भी आता है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो 61। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो 356 ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला था? तो ये उसी समय की बात है, तो धारा 370। नीति निदेशक तत्व जो है वो कौन से देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो किसके अंदर किया जा सकता है? 368। ये करंट के हैं उसी समय के, तो इनके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आएगा 4th। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय खेल मंत्री उस समय अजय माकन थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य है। तो VS दवे व IS इसरानी। विश्व एथलेटिक्स 20 किलोमीटर पैदल चल के स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। तो ये उसी समय के हैं, करंट के आप अगर स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखना चाहते हैं आप कौन से बता रहे हैं। ये देखिए, जीवन बीमा निगम यानी LIC दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है, ये उस समय की बात है 2012। तो इसका क्या आएगा 38 का? 15 सितंबर 2011। टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो नाग। मैटर्स ऑफ डिस्कशन जो बुक है उसके लेखक यहाँ पर बोनस मिला है। 2G स्कीम की जांच हेतु संयुक्त सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो PC चाको। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? अध्ययन विषय क्या है? कहने का मतलब तो मानव व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सुल्तान पर परीक्षण करने वाले कोहलर थे। सारी अगर आपने डिटेल देखनी हो तो आप देख सकते हैं, कोहलर का इनके जो साइकोलॉजी के हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसके अंदर आपको पूरा इसका कराया था कि पेरिफाइन द्वीप था उसके ऊपर जा कर के इन्होंने लगभग 3 साल सन 2012 के आसपास 1912 के आसपास 1912 में गेस्टाल्टवाद दिया गया प्रतिमर के द्वारा, और 16 के अंदर कोहलर आए थे सहयोगकर्ता के तौर पर पेरिफाइन द्वीप पर। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए थे वर्ल्ड वॉर के समय। फिर 20 के आसपास कोफ्का आए और उन्होंने गेस्टाल्टवाद प्रतिपादित किया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है? तो 4th आएगा बिल्कुल सही, काफ़ी बार आपने सुन लिया होगा अब तक तो, कि घोड़े को तालाब तक लाया तो जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तत्परता का सिद्धांत। 46वां, आप शिक्षक होने के नाते सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन को। तो ये तो मुख्य नियम में आते हैं थॉर्नडाइक के, और ये है गौण नियम का। तो ये तीनों सही है ऊपर वाले। समग्रता गेस्टाल्ट थ्योरी अभी बताया, वर्दाइमर और अदर्स अन्य। सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है बालक? तो किशोरावस्था के अंदर सामाजिक स्वीकृति चाहता है।
कौन सा मेल सही नहीं है, ये बताना है सही नहीं है। तो स्वयं में रहना है, प्रक्षेपण दूसरों पर, प्रतिगमन पुरानी आदतों को मेल लौटना, तीनों है लेकिन ये नहीं है। युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये नहीं है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी। TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है, TAT के अंदर जो कार्ड हैं वो 30 भी होते हैं, और एक ब्लैंक कार्ड अगर दिया हो 31 कह दे तो भी सही है, एक ब्लैंक कार्ड खाली कार्ड होता है। समूह तत्व या मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो किसकी है, समूह कारक या समूह तत्व किसकी थ्योरी है, ये बताना है। सिद्धांत किसका है, ये तो किसका है, थर्स्टन का। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है या सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण क्या हैं, तो इसका कौन सा देगा, प्रबल जिज्ञासा, क्यूरियस होते हैं वो। अब ये डेफिनेशन है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। तो प्रेरक की परिभाषा देने वाले कौन थे, चार ऑप्शन हैं जिसमें से गेट्स और अन्य ने ये परिभाषा दी थी, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, सभी को पता होगा अब तक। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा जो है वो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, किस कारक पर प्रभाव नहीं पड़ता अभिप्रेरणा का, तो किस पर नहीं पड़ेगा, भौतिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन है, तो ड्यूवी है, ड्यूवी का विचार था लेकिन इसका जो दिया जाता है नाम, तो वो किलपैट्रिक का दिया जाता है जो उनके शिष्य थे। 58 नंबर, अंधे बालकों के लिए सबको पता है कौन सी है, ब्रेल लिपि। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन का कलह। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। तो ये जो आत्म प्रत्यय की परिभाषा दी है ये किन्होंने दी है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की है ये। आदत का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके अंदर बोनस मिला हुआ है, भारत का क्षेत्रफल बताना, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में बताना है 2001 की तुलना में, तो 10.41% था। महिला साक्षरता दर कितनी रही 2011 के अंदर, तो 52.66 रही। लिंगानुपात बताना है 2011 के अनुसार कितना रहा, तो 926 था राजस्थान का। राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताना है, तो स्थान था इनका 8वां। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था, तो मेवाड़ का मैराथन इन्होंने कहा था दिवेर के युद्ध को। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना क्या है, तो मरु विकास परियोजना जो है केंद्र सरकार की है ये। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो विजय केलकर थे, ध्यान रखें कौन थे, विजय केलकर। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी, कब की गई थी, 2009-10 में। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक आते हैं, तो कितने आते हैं, 85। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चित्तौड़गढ़, अणुनगरी भी कहते हैं। शक्ति परियोजना, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, रामगढ़ के अंदर।
राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत जो है वो आपको देखने को मिलेगा उदयपुर के अंदर। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? करंट का क्वेश्चन है, सीपी जोशी। परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो परमाणु केंद्र जो है राजस्थान में रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। बटनेर का किला, बटनेर का किला आप सभी को पता होगा, हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राजस्थान में जो प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है वो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पलाया झील किस जिले में है? तो पलाया झील जो है वो है आपके जैसलमेर में। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको बोनस दिया गया है, 1% ज़्यादा ही लिख दिया शायद। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ? तो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार अप्रैल 2010 से लागू हुआ, आरटी कह सकते हैं आप। 2011वीं जनसंख्या कौन सी जनसंख्या है? 2011वीं जो जनसंख्या हुई है वो है आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। जलवायु परिवर्तन में कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था कौन से सन में, वो बताना है। तो ये हुआ था आपका 2009 के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 1 नवंबर 2011 से। बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है किस जनजाति के अंदर? तो ये है ग्रासिया जनजाति के अंदर। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का सभी को पता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वो भी कला हेतु। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है? तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। बेली कृष्ण रुक्मणी रेख्यात किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है ये उत्तरी मारवाड़ी का है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का जो है वो मनाया जाता है श्रावण में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता जो माने जाते हैं वो है तेजा जी। नथ महिलाएं धारण करती है, तो नथ कहाँ आएगी? नाक के अंदर नथ है, नकेल है, ये नाक के आभूषण है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? तो ये जो निर्माता है वो है राणा कुंभा। सीताबाड़ी का मेला जो है वो आयोजित किस क्षेत्र में होता है? तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होता है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है जवाहर कला केंद्र के अंदर। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया किनके द्वारा? प्रतिहारों के द्वारा। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएल पूनिया। तो इसी के साथ अपने जो 100 क्वेश्चन हैं वो इसके कंप्लीट होते हैं। तो बाकी जो पेपर हैं वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। और बाकी आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। और कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं पेपर, उनका कमेंट करके बताएं, वो भी पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।